Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about drone attacks, and this topic is important from our syllabus paper 4, internal security point of view. So, सबसे पहले समझते हैं drones होते क्या हैं. They are unmanned air vehicles. तो इस तरह के छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, अनमैंड होते हैं, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और इसको जहां चाहे वहां पे इसको नेविगेट करा सकते हैं और उस लोकेशन के नीचे की जगहों का इमेज भी निकाल सकते हैं या कोई चीज़ इस ड्रोन की मदद से ड्रॉप भी करा सकते हैं. ड्रोन के क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो ड्रोन्स ऑफ लेट हैव बीन यूज्ड फॉर कॉम्बैट पर्पसेज एज वेल. ड्रोन्स के इस्तेमाल से हाल फिलहाल में बम्स गिराए गए हैं, देखा गया ऐसा ऑर्डिनेंस एज वेल एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुड ऑल्सो बी पुट ऑफ विथ हेल्प ऑफ ड्रोन्स. इसका एक हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देखा गया 2019 में, ड्रोन अटैक्स हुए थे ऑन अरामको विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया. अरामको हाल फिलहाल में न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ इट्स कोलेबोरेशन विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन इंडिया ऑल्सो. तो अरामको के दो लोकेशंस पे ड्रोन अटैक्स हुए थे 2019 में. उसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है फॉर ड्रग्स एज वेल एज आर्म्स ट्रैफिकिंग. तो पिछले दो तीन सालों से पंजाब और हरियाणा और राजस्थान सरकार, जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं या फिर पास के स्टेट्स हैं पंजाब से, उन्होंने इस तरह के कंप्लेंट्स किए हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट्स इन ऑर्डर टू डू ड्रग ट्रैफिकिंग. तो ड्रोन्स की मदद से एक जगह से दूसरे जगह ये लोग ड्रग्स पहुँचा रहे हैं, ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, आर्म स्मगलिंग के भी केसेस निकल के आ रहे हैं विथ हेल्प ऑफ ड्रोन्स. तो ये सब तो कुछ ड्रोन्स के निगेटिव यूजेज हो गए, लेकिन इन जनरल ड्रोन्स पॉजिटिव यूजेज के लिए जाना जाता रहा है और इसी के लिए इसका डेवलपमेंट भी किया गया था. एंड कई सारे पॉजिटिव यूजेज भी हैं ड्रोन्स के सिविलियन पर्पसेस के लिए. फॉर एग्जांपल, कभी फ्लड वाले एरिया में ये रिलीफ पैकेज पहुंचाने में काम आता है. कहीं भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, फ्लड हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वहाँ पे ये पैकेज डिलीवरी ऑफ रिलीफ पैकेजेज ये पहुंचा सकता है. एग्रीकल्चरल यूजेज होते हैं ड्रोन के, फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्टिसाइड स्प्रे कराने में या फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कराने में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है. लैंड सर्वे में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे हाल फिलहाल में आपको पता है कि भारत सरकार एक स्वामित्व स्कीम लेकर के आ रही है जिसके अंतर्गत जो लैंड्स हैं उसकी प्रॉपर मैपिंग की जाएगी और किसके नाम पर वो लैंड है उसका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, और इस स्वामित्व स्कीम के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो ड्रोन्स के ट्रेडिशनली तो कई सारे सिविलियन पॉजिटिव यूजेज रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इसके कुछ नेगेटिव यूजेज भी देखे जा रहे हैं, और जो करंट न्यूज है वो ड्रोन्स के नेगेटिव यूज से ही रिलेटेड है. हाल फिलहाल में पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने ड्रोन्स की मदद से हमारे एयरफोर्स स्टेशंस का टेक्निकल रीजन जम्मू एरिया के, वहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव्स ड्रॉप कर दिए और इसमें कुछ हमारे जवान उनको इंजरी भी हुई है. तो ये जो अटैक हुआ है इंडिया के अंदर विथ हेल्प ऑफ ड्रोन्स, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन इट्स काइंड. ये नया है, इसके पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारे देश में टेररिस्ट अटैक्स के लिए नहीं हुआ है, लेकिन ये अटैक अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक पोटेंशियल है. अभी से ही अगर इसके लिए हमने कोई अप्रोच नहीं ढूंढा ड्रोन अटैक्स को कर्ब करने के लिए, तो इट माइट टर्न आउट टू बी वेरी मेनेंसिंग इन फ्यूचर. क्योंकि अभी अभी तो देखिए, ये एज आई सेड कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन अ ड्रोन्स हैज़ बीन यूज्ड बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स और द टेररिस्ट ग्रुप्स फॉर अटैक्स. फ्यूचर में ये काफ़ी माइल्ड अटैक भी कह सकते हैं आपको, लेकिन फ्यूचर में इस तरह के अटैक्स बढ़ सकते हैं. चैलेंजेस ड्रोन के साथ क्या है, नेचुरली आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब हम मिसाइल्स को रोक सकते हैं तो ड्रोन क्या चीज़ है. जब हम मिसाइल्स के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं हमारे पास, एंटी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं हमारे पास, तो ड्रोन्स को क्यों नहीं रोक सकते.
तो ड्रोन्स के साथ एक अलग इशू है। ड्रोन्स के साथ चैलेंजेस क्या हैं कि दे फ्लाई एट वेरी लो हाइट एंड देयर फॉर इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर आवर रडार सिस्टम। और जब तक हमारे रडार इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे कैसे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ड्रोन्स काफ़ी चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिसाइल्स, आराम से कंट्रोल किए जा सकते हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड, ईजी टू ऑपरेट, और इसी कारण से टेररिस्ट लोग इसका इस्तेमाल आने वाले टाइम में और ज़्यादा कर सकते हैं। दैट इज़ द बिगर थ्रेट फॉर इंडिया इन कमिंग डेज अराइजिंग फ्रॉम ड्रोन्स। ये तो अभी शुरुआत है, अगर हमने जल्द कोई इस तरह का इसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लिया तो इट माइट प्रोलीफरेट इन फ्यूचर। अभी इंडिया के पास क्या सॉल्यूशंस हैं वो भी ज़रा समझते हैं। तो देखिए, इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है। हमारे देश की डिफेंस एजेंसी DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, लेकिन ये अभी तक हमारी आर्मी के साथ इंडक्ट नहीं किया गया है। माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिस एंटी ड्रोन सिस्टम विल बी डिप्लॉयड विथ इंडियन आर्मी बाई नेक्स्ट ईयर। लेकिन हाँ, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल अभी तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का विजिट किया था लास्ट ईयर जनवरी 2020 में, तो उस टाइम में उन्होंने एक रोड शो किया था, लगभग 22 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था अहमदाबाद में। उस टाइम में इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था हमारे डिफेंस एजेंसीज द्वारा, ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो, ड्रोन अटैक ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो एंटी ड्रोन सिस्टम उस टाइम में इस्तेमाल किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए। तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे देश की एजेंसी DRDO ने बनाई है, इसमें देखते हैं मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें तो सबसे पहले है डिटेक्ट करने का तरीका, कि कोई भी ड्रोन अगर दूर से ही आ रहा है तो इसको ये डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट 3 किलोमीटर दूरी से ही ये किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम, ये ड्रोन अगर 3 किलोमीटर की दूरी पे है तब भी इसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद इसके पास है इसको जैम करने का अप्रोच, तो ये इसको जैम कर सकता है हवा में ही, जिससे जो इसका कंट्रोलर है इसको फर्दर कंट्रोल ना कर पाए। और फिर ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसके पास ये भी टेक्नोलॉजी है, लेजर वेपन भी है, जिसकी मदद से ये इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन इफ इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 1 to 2.5 किलोमीटर, ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है विथ हेल्प ऑफ इट्स लेजर वेपन सिस्टम। लेकिन अभी तक ये हमारी डिफेंस एजेंसीज के साथ इंडक्ट नहीं किया जा सका है। अभी ये तो हो गया क्या डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है ड्रोन को अटैक से बचने के लिए। कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी हैं, क्या क्या रेगुलेशंस लिए गए हैं, क्या क्या कानून बनाए गए हैं ड्रोन्स अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, वो भी ज़रा समझते हैं। तो देर इज़ ए रूल नोन एज अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2020। इसके हिसाब से ड्रोन्स को प्रोड्यूस करना, सेल करना, ट्रेड करना, उन सब पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं सरकार ने। कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें सरकार को आपको साफ साफ बताना पड़ता है कि ये ड्रोन आप जो बना रहे हैं इस किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, किसको आप बेच रहे हैं, वो इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो द पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस अनमैंड एयरक्राफ्ट रूल्स 2020 द ड्रोन्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री आर अंडर सर्विलेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो रूल्स हैं अनमैंड एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 2020, ये बहुत ज़्यादा काम के नहीं होंगे फ्रॉम प्रिवेंटिंग टेररिस्ट अटैक्स विथ हेल्प ऑफ ड्रोन्स, क्योंकि टेररिस्ट लोग तो हमारे देश से बाहर भी ड्रोन बना सकते हैं, और वो जो ड्रोन बनाएंगे वो सरकार को थोड़ी बताएंगे। देर इज अनदर रूल नोन एज नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स गाइडलाइन 2019। इस रूल्स के हिसाब से, इस गाइडलाइन के हिसाब से, जो भी हमारे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, या फिर लाल किला हो गया, ये तमाम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमने एंटी ड्रोन सेटअप्स लगा रखे हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर्स, बिना रेडियो फ्रिक्वेंसी के ड्रोन्स चलेंगे ही नहीं, लेजर अटैक करने के लिए, या ड्रोन कैचिंग नेट्स लगा रखे हैं अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। लेकिन अभी तक मुद्दा ये है कि कोई भी फुल फ्लेज्ड स्ट्रैटेजी तो ड्रोन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में नहीं है, और इसी कारण से अगर ड्रोन्स पे अटैक को लेकर के कोई सवाल आ जाए कि फ्यूचर में ड्रोन्स अटैक माइट बी प्रोलीफरेटेड एंड इट माइट बी अ न्यू अप्रोच यूज बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, उसमें आपको कंक्लूजन में या वे अहेड में लिखना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन शुड लुक एट मेकिंग द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फॉर ड्रोन्स मोर स्ट्रिंजेंट। ये जो रेगुलेशंस हैं दे आर नॉट इनफ, वी नीड टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट। उसके अलावा जो हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे नीड टू कम अप विथ अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्रोन अटैक्स इन फ्यूचर।
The next article is again taken from editorial segment. It is about solid waste management rules of 2016, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इसको समझते. देखिए सॉलिड वेस्ट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं. जो भी हमारे घरों से डे टू डे लाइफ में जो भी वेस्ट मटेरियल निकल के आता है, पेपर, प्लास्टिक, किचन वेस्ट, वो सब कुछ सॉलिड वेस्ट है. सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर मैनेज किया जाए ताकि एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम हो, इसको लेकर के सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे 2016 में. तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में बनाए गए थे, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझते हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट हमारे घरों से जनरेट होते हैं, दे मस्ट बी सेग्रीगेटेड इंटू टू पार्ट्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वो सोर्सेज होते हैं जिनको प्रोसेस किया जा सकता है और वो अपने आप में डिग्रेड हो सकते हैं, अपने आप में वो डिकम्पोज हो सकते हैं विथ हेल्प ऑफ नेचुरली अकरिंग बैक्टीरियाज. तो ये जो बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज हैं, इनका इनके मदद से मैन्यूर्स बनाए जा सकते हैं, ओरिजिनल नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं, जिसका घरों में गार्डनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सोसाइटीज में गार्डनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज वो होते हैं जो खुद से डिग्रेड नहीं होंगे, उनको डंप करना होगा, जैसे कि प्लास्टिक्स या मेटल्स या बैटरीज या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उनके वेस्ट, ई वेस्ट जिनको कहते हैं, उन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको ले जाकर के कहीं दूर डंप करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी सेग्रीगेटेड, एंड जो बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज हैं उनको उन सोसाइटीज में, जो बिल्डिंग्स होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, उनके प्रीमाइसेज में उनको प्रोसेस करना है और डिस्पोज करना है, उनके फर्टिलाइजर्स वगैरह मैन्यूर्स बना करके गार्डनिंग में इस्तेमाल करनी है. जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज हैं इनको लोकल म्यूनिसपालिटी द्वारा असाइंड रीजन्स जहाँ भी हैं वहाँ जाकर के डंप करना, और खुद जाकर के डंप नहीं करना है. देयर विल बी सॉलिड वेस्ट कलेक्टर्स, तो म्यूनिसपालिटी की गाड़ियाँ आएंगी और उसमें आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को देना है उनको, और वो लोग फिर जाकर के जो डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे अकॉर्डिंग टू द लोकल म्यूनिसपालिटी, वहाँ जाकर के इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डंप करेंगे. सो दिस इज द बेसिक और सिंपल रूल. जो मेन प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है, हमारे घर के जो भी वेस्ट हैं उनको डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल में, नॉन बायोडिग्रेडेबल में पहले सेग्रीगेट करना है, और डिग्रेडेबल वाले को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही उसको वापस से रिसाइकल करा लेना है, उसका इस्तेमाल कर देना है इन गार्डनिंग. जबकि जो नॉन डिग्रेडेबल्स हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी कलेक्टर को दे देना है ताकि वो आइडेंटिफाइड एरिया में जाकर के इसको डंप कर पाएं सेफली. लेकिन इस आर्टिकल में क्या बताया गया, काफ़ी सिंपल सा आर्टिकल है. ये आर्टिकल मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बता सकूं. इस आर्टिकल में यही बोला गया कि गुवाहाटी के अंदर अभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है. इनफैक्ट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. बहुत सारी सोसाइटीज़ में वहाँ जो सोसाइटी मैनेजमेंट्स हैं उनको भी नहीं पता, इसी कारण से ये जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट है ये कई सारे सोसाइटीज़ में इंप्लीमेंट नहीं होता है. सो द अवेयरनेस of people regarding this solid waste management rules in Guwahati has to be brought by Guwahati Municipal Corporation first, and then it can be implemented. The next article is taken from international segment. It is about Dragon Man, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. So dekhiye kya hua hai, sabse pehle wo samajhte hain current development hua kya hai. China ke andar उनकी नॉर्थ ईस्ट चाइनन प्रोविंस के ड्रैगन रिवर के आसपास, इस ड्रैगन रिवर के बेसिन में एक नया तरह का ह्यूमन स्कल मिला है. ये ह्यूमन स्कल मिला है. अब ह्यूमन स्कल तो मिलते रहते हैं, इसमें नई बात क्या है, ये न्यूज़ में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कल है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और माना जा रहा है कि इट मे बी बिलोंगिंग टू एंटायरली न्यू ह्यूमन स्पीसीज. ये जो हम इंसान हैं और हम जिस स्पीसीज को बिलोंग करते हैं उस स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस. ये उस होमो सेपियन स्पीसीज का ये स्कल तो नहीं है. ये जो स्कल मिला है इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज 146,000 ईयर्स ओल्ड. तो अब जरा जानते हैं कि ये जो स्कल मिला है इससे और क्या चीजें हमारे साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं. तो देखिए ह्यूमन स्पेसीज के बारे में सबसे पहले समझते हैं, फिर इस नई डिस्कवरी के बारे में और बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे. देखिए माना जाता है कि ह्यूमन स्पेसीज जिसको हम बिलोंग करते हैं उसके टोटल 21 स्पीसीज अभी तक उसके अंदर हुए हैं. सो देर आर अबाउट 21 स्पीसीज. हाँ इसको लेकर के थोड़ा डिबेट जरूर है साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में, लेकिन माना जा रहा है कि माना जाता अभी तक कि
there are 21 human species so far who have lived on this earth. उन 21 human species सबके जो main difference था उन 21 human species में, वो difference था उनके skull के shape में, structure में और size में. आप देख सकते हैं अलग अलग human species के skull के shape, structure, size में अंतर है. ये 21 human species में से बस एक human species आज भी survive कर रहा है जिसको हम बिलोंग करते हैं, और उस ह्यूमन स्पीसीज को कहा जाता है होमो सैपियंस स्पीसीज, और यह है होमो सैपियंस का स्कल. अब ये जो नई स्कल मिली है, जो नई डिस्कवरी है, ये 21 एग्जिस्टिंग ह्यूमन स्पीसीज के स्कल से मैच नहीं करती है. इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ एंटायरली और ऑल टुगेदर ए न्यू स्पीसीज ऑफ ह्यूमन. और इस स्पीसीज को नाम दिया जा रहा है ड्रैगन मैन का, तो ये तो कॉमन नाम है. वैसे टेक्निकल नाम, जैसे आप देख सकते हैं टेक्निकल नाम 21 ह्यूमन स्पीसीज के होमो सैपियंस, होमो नेंडरथल नेसिस इस तरह के हैं, उसी तरह का टेक्निकल नाम इस ह्यूमन स्पीसीज को दिया गया है जो नया ह्यूमन स्पीसीज डिस्कवर हुआ है विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी ऑफ स्कल. इस नए स्पीसीज को नाम दिया गया है होमो लोंगी. तो अब इससे फायदा ये होगा कि टोटल 21 नहीं 22 ह्यूमन स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है हु हैव लिव्ड ऑन अर्थ. और जो नया ह्यूमन स्पीसीज अभी डिस्कवर हुआ है, इट हैज कम फ्रॉम चाइना, उसको नाम दिया गया है होमो लोंगी. इसका निक नेम दिया गया है ड्रैगन मैन बिकॉज इट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द ड्रैगन रिवर बेसिन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना. अभी जो नया ह्यूमन स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ के डेवलपमेंट में होगा, वो होगा ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने में. दिक्कतें क्या हैं कि हम एग्जैक्टली किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, वो अभी तक हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स या बायोलॉजिस्ट इस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली हमसे पहले वाला जो स्पीसीज था वो, या सब स्पीसीज था वो क्या था एग्जैक्टली, इसकी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है. बट द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू स्कल विल हेल्प अस इन डूइंग रिसर्च इन दैट डायरेक्शन. इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग न्यू नॉलेज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस, दैट इज द ह्यूमन स्पीसीज लिविंग ऑन अर्थ राइट नाउ, दैट इज अस. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट इज अबाउट फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सो क्या है करंट न्यूज? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने सेकेंड वेव ऑफ कोविड के कारण जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा है, उससे हमारी इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए नया फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है. इसके अंदर टोटल 17 मेजर्स अनाउंस किए गए हैं विच विल ओवरऑल इंक्लूड इन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन ट्यून ऑफ रुपीज 6,28,993 करोड़. तो इतना पैसा अब खर्च करेगी सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए विच वॉज हिट बाई सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19. तो क्या है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, उनको एक एक करके देखते हैं. दो अनाउंसमेंट जो कल निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसका टोटल 17 अनाउंसमेंट्स किए हैं 6,00,000 करोड़ के आसपास का, इसमें से दो अनाउंसमेंट तो देखिए सरकार पहले ही कर चुकी थी. पहला अनाउंसमेंट कि डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ाना, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 मई 2021 के एडिटोरियल सेक्शन में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर पे सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है. इसको वापस से निर्मला सीतारमन जी ने इस फाइनेंशियल पैकेज अनाउंसमेंट में जोर करके बताया है कि ये 17 नए मेजर्स हम हाल फिलहाल में लेकर के आए हैं. उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ये भी पहले सरकार अनाउंस कर चुकी थी. क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? तो इस देखिए आपको पता होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लाया गया था, उसके हिसाब से हमारे देश के जो शहरों में रहने वाले 50% पुअर पीपल हैं और गाँव में रहने वाले 75% पुअर पीपल, उनको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन दिया जाता है. हर महीने 5 किलोग्राम सब्सिडाइज ग्रेन रेट पे फूड ग्रेन दिया जाता है. 3 रुपये पर केजी, 2 रुपये पर केजी, 1 रुपये पर केजी अनाज दिया जाता है, राइस, वीट एंड कोर्स सीरियल, इस तरह से सस्ते दामों पे दिया जाता है. तो वो 5 किलोग्राम तो फूड ग्रेन उनको मिलेगा ही मिलेगा, वो सारे गरीब लोगों को.
प्लस ये जो सरकार ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके हिसाब से नवंबर महीने तक, नवंबर 2021 तक सारे इस तरह के परिवारों को जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सस्ते दामों पर फूड ग्रेन मिलता है, उनको 5 किलो जो सस्ते दामों पर अनाज मिलता है उसके ऊपर से मुफ्त 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये पिछले साल ही जब पहला वेव आया था कोविड का, तभी भारत सरकार लेकर के आई थी गरीब लोगों के लिए, ताकि उनको जो अन्न की कमी ना हो, उसको वापस एक्सटेंड किया है और अब इसको चलाएंगी नवंबर महीने तक ऑफ 2021, और जरूरत पड़ी तो आगे भी एक्सटेंड करेंगे ऐसा सरकार ने कहा है। कुछ नए अनाउंसमेंट्स हैं उनको समझते हैं। तो नए अनाउंसमेंट में सरकार ने कहा है कि 1.1 लाख करोड़ लोन विल बी गिवन टू द सेक्टर्स दैट हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड। उसमें ज़्यादातर फोकस किया जाएगा हेल्थ सेक्टर को सप्लीमेंट करने में, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपस्केल करने में। उसके अलावा जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। रुपीज़ 1.5 लाख करोड़ ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड इन 2020। तो समझिए क्या है ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, पहले ये समझेंगे फिर इधर आएंगे कि अभी करंट अनाउंसमेंट क्या हुआ है। देखिए, भारत सरकार की एक ट्रस्ट कंपनी है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, ये भारत सरकार की ट्रस्ट कंपनी है, भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड फ्लोटेड ट्रस्ट कंपनी NCGTC। इस ट्रस्ट कंपनी ने एक फंड बनाया है। उस फंड का काम क्या होता है कि वो बैंक्स को गारंटी देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, गारंटी देते हैं। इस फंड का काम क्या होता है, बैंक्स को गारंटी देते हैं कि आप लोगों को लोन दीजिए, बिजनेसेस को, एमएसएमईज को लोन दीजिए कोलैटरल फ्री, उनसे कुछ भी आप गिरवी मत रखवाइए उनको, लेकिन आप जल्दी से जल्दी लोन दीजिए, जिसको नाम दिया गया है इमरजेंसी लोन। आप उनको बेहिसाब लोन दीजिए, जितना वो मांगते हैं लोन दीजिए, अगर ये लोन डूब गया तो हम गारंटी देते हैं कि ये पैसा हम आपको भरपाई कर देंगे। एकदम सरल शब्दों में बोला जाए तो यही है इसका मतलब, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। चूंकि हमारी इकोनॉमी अभी इमरजेंसी पीरियड से गुजर रही है, कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं या बंद होने के कगार पे हैं, तो उनको जल्दी से इमरजेंसी क्रेडिट देना होगा, और उसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम खोली गई है। इसमें डायरेक्ट सरकार पैसा नहीं दे रही है, जिसमें जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 लाख करोड़ सरकार देगी डायरेक्टली एमएसएमईस को, ऐसा नहीं है। 1.5 लाख करोड़ का फंड बना दिया और गारंटी दे दी बैंक्स को, और बाकी तमाम जो NBFCs हैं या बाकी जो लेंडर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको गारंटी दे दी कि भाई तुम आगे लोन दो लोगों को, एमएसएमईस को, बिजनेसेस को कोलैटरल फ्री लोन दो, और अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि वी विल मेक अप फॉर योर लॉस। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ECLGS है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसको वैसे ही समझो जैसे कोविड में लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जा रही थी, ये इसी तरीके का ऑक्सीजन देने का जरिया है, वेंटिलेटर है छोटे छोटे बिजनेसेस को जिनकी हालत खराब हो गई है बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ये पिछले साल भारत सरकार ने अनाउंस किया था, 3 लाख करोड़ का गारंटी दिया था, उसको वापस उसमें 1.5 लाख करोड़ और ऐड कर दिया है। मुझे लगा था कि पिछले साल UPSC प्रीलिम्स में आएगा लेकिन आया नहीं है लास्ट ईयर, मुझे लगता है इस बार ये जरूर आ सकता है। प्लीज़ बी रेडी विथ दिस टॉपिक, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट कैटल एग्रेट दैट हैव बीन किल्ड इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस पेपर फॉर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है न्यूज़ सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, टांगला टाउन जो आपको पता होगा उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है इन बोडोलैंड, बोडो टेरिटोरियल रीजन, टांगला टाउन के जो म्यूनिसिपल बोर्ड हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को लेटर लिख करके कहा कि जो कैटल एग्रेट बर्ड्स हैं इनकी ड्रॉपिंग्स के कारण जो एरिया है वो गंदा हो रहा है, और अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट के कारण वहाँ पर COVID-19 इन्फेक्शन फैलने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। अब ये अपने आप में ये जो इंटीमेशन है कि लेटर जो इन्होंने लिखा लोगों को कि कैटल एग्रेट्स के ड्रॉपिंग्स के कारण COVID-19 के फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, अपने आप में अनसाइंटिफिक सजेशन है, इसका कोई लेना देना है नहीं। हाँ, अनहाइजीनिक कंडीशन अपने आप में बुरी बात है, लेकिन इससे कोविड ज़्यादा फैले या रिस्क ऑफ कोविड बढ़ जाए ये अपने आप में अनसाइंटिफिक है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या,
कि लोगों के कहने पे म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स और लोगों ने मिल करके वहाँ के ये जो बैम्बू ट्रीज हैं उनको काटना शुरू किया जिन पे इनके नेस्ट्स बने हुए थे, और इसके कारण से इनके नेस्ट टूटने लगे और मोर देन 200 बर्ड्स वेर किल्ड, और कई सारे उसमें से जो न्यूली बॉर्न एगरेट्स थे दे स्टार्टेड टू डाई। तो लगभग 200-250 न्यूली बॉर्न बर्ड्स जब मरने लगे तो फिर वहाँ के लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, फिर जाकर के ये पेड़ों को काटने का काम रोका गया। इस कारण से तांगला एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है। आप इसका एथिक्स इंटीग्रिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि पुअरली इन्फॉर्म्ड या अनसाइंटिफिक अप्रोच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डैमेज। You can see what happened in Tangla town. इस तरह का आर्गुमेंट लिख सकते हैं। उसके अलावा ये आर्टिकल मैंने पिकअप किया है फॉर इन्वायरमेंट सेगमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कई सारे आप इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। कैटल एगरेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड विच इज़ कैटेगराइज एज लीस्ट इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक, लेकिन इसको शेड्यूल 4 का प्रोटेक्शन मिला हुआ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 एंड सम ऑफ द स्पीसीज पुट इन शेड्यूल 2 आर गेटिंग एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मतलब उनको अगर मारने पे हाईएस्ट पेनल्टी है। जैसे आपने देखा कैसे सलमान खान को जेल तक जाना पड़ गया था, राइट। तो उसके अलावा शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 3 में जो भी स्पीसीज हैं उनको भी मारने पे कुछ पेनल्टीज हैं, बट लोअर देन एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो ये जो एगरेट है ये शेड्यूल 4 में, मतलब इसको मारना भी गैर कानूनी है, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही मारना शुरू कर दिया एंड मोर देन 200 एगरेट्स वेयर किल्ड। शेड्यूल 5 में जो जानवर हैं दे मे बी हंटेड, उनको मारना गैर कानूनी नहीं है। बाकी शेड्यूल 6 में प्लांट्स स्पीसीज हैं जिनका कल्टिवेशन प्रोहिबिटेड है। तो ये 6 शेड्यूल आपको याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे पिछले साल UPSC प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर कैटल एगरेट्स की बात की जाए तो इनसे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दे शेयर अ प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन विथ कैटल्स। तो कैटल्स के साथ प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन ये मेंटेन करते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच बोथ आर बेनिफिटेड बट आर नॉट ऑब्लिगेटरी टाइप रिलेशन। दोनों एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं, इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन, प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन, वेयर बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं, ऐसा नहीं कि एक के बिना दूसरा मर जाएगा, अगर उस तरह का हो तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अदरवाइज प्रोटो कोऑपरेशन में बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। देखिए किस तरह से दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं। ये जो बर्ड है, इट ईट्स द फ्लाइज एंड टिक्स दैट आर ऑन द बॉडीज ऑफ दीज कैटल्स। तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं इन कैटल्स के बॉडी पे, उनको ये बर्ड्स बैठ करके खाती है, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, इसको फूड मिलता है, और साथ ही साथ इन कैटल्स को भी इन टिक्स से बच जाते हैं लोग जो इनके लिए पैरासाइट का काम करते हैं, इनका खून चूसते हैं। तो इस तरीके से दे शेयर ए काइंड ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन रिलेशन। अभी कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं एनिमल्स के बीच में, उनको यहाँ पे मैंने दे रखा है। तो एनिमल्स के बीच में जो रिलेशंस होता है उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कोरल्स एंड रीफ्स बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, या हनी बी एंड फ्लावर्स बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। कॉमेंसलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड वाइल अदर बेनिफिट स्पीसीज इज नॉट अफेक्टेड। ये हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। वेल्स एंड बर्नैकल्स, तो वेल्स के ऊपर ये इस तरह से ये बर्नैकल्स आराम से अटैच हो जाते हैं, और वेल्स चलते रहती हैं और पीछे पीछे उनके बॉडी के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं, तो ये अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं और इनको खाना मिलते रहता है। सो इस रिलेशन को कहा जाएगा कॉमेंसलिज्म, क्योंकि इसमें इस बर्नैकल्स को फायदा हो रहा है लेकिन वेल को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यह होगा कॉमेंसलिज्म। एक होता है पैरा साइटिज्म, उसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। जैसे ये जो टिक है ये इस कैट के शरीर पे बैठ करके इसका खून चूस रही है, तो कैट को नुकसान हो रहा है, टिक को फायदा हो रहा है, तो इस रिलेशन को कहते हैं पैरासाइटिज्म। प्रोटो कोऑपरेशन में बोथ आर बेनिफिटेड लेकिन
नॉट इन एन ऑब्लिगेटरी मैनर, ऐसा कुछ बहुत डायरेक्ट या ऑर्गेनिक रिलेशन नहीं है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कॉपरेशन. जैसे यहाँ देखिए, ये बर्ड और इस कैटल के बीच में है प्रोटो कॉपरेशन, जबकि ये हनी बी और फ्लावर के बीच में है म्यूचुअलिज्म. दे आर ऑर्गेनिकली रिलेटेड विथ ईच अदर, अदरवाइज दोनों को नुकसान हो जाएगा. बोथ विल डाई विदाउट ईच अदर. दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इन अ सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग UPSC. Today will cover topic number 366 to 370. Topic number 366 is about inner line permit. It is a document required by non-native to visit or stay in a state that is protected under ILP system. Four states in our country are protected under ILP system: Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Nagaland. ये पहले सिर्फ तीन स्टेट्स में था, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम में मणिपुर के अंदर भी आईएलपी सिस्टम को ला दिया गया. आईएलपी सिस्टम वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 366. टॉपिक नंबर 367 इज अबाउट इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन. इट इज एन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल और नेशनल पार्लियामेंट्स. इट बिगेन इन 1889 एज ए स्मॉल ग्रुप, बट नाउ इट हैज 179 मेंबर कंट्रीज. इट्स हेडक्वार्टर इज जिनेवा स्विट्जरलैंड. इट वॉज रिसेंटली न्यूज बिकॉज CAG ऑफ इंडिया गिरीश चंद मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा फॉर 3 ईयर टर्म्स. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 367. टॉपिक नंबर 368 इज अबाउट प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना. इट इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम दैट इज इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पार्शियल कंपनसेशन फॉर द वेजेज लॉस इन टर्म्स ऑफ कैश इंसेंटिव टू द वुमेन हु आर इंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर्स. इसमें कैसा है, 5,000 रुपए का टोटल कैश इंसेंटिव दिया जाता है तीन इंस्टॉलमेंट्स में. पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाता है ऑन द अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन आंगनवाड़ी सेंटर. दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाता है आफ्टर 6 months ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ आफ्टर रिसीविंग एटलीस्ट 1 antenatal चेकअप. एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर ऑफ ₹2,000 आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज रजिस्टर्ड एंड चाइल्ड हैज रिसीव्ड फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन. तो मतलब प्री कंडीशन ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है ताकि जो बेसिक वैक्सीनेशन वाले जो भी पॉलिसीज हैं वो मिलने के बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा. इट इज अ काइंड ऑफ इंडक्शन फॉर द वुमेन टू गो फॉर ऑल द बेसिक चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 368. टॉपिक नंबर 369 इज अबाउट साइनोरोइज. तो इट साइनोरेज इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट. सो इट इज एसेंशियली द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग करेंसी. फॉर इंस्टेंस अगर 2,000 करोड़ है तो उसको छापने लगभग 4 रुपए के आसपास का खर्च आता है. सो इन दैट प्रोसेस द गवर्नमेंट अर्न्स ₹1,996. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 369. टॉपिक नंबर 370 इज अबाउट इंपॉर्टेंट कर्व. तो लॉरेंज कर्व represents difference of or income or inequality in a society. It was developed by economist Max Lorenz in 1905. Laffer curve describes the relationship between tax rates and total tax revenue. And Philip curve states the inflation and unemployment have inverse relationship. तो ये तीनों कर्व एक बार देख लेना, हो सकता है पीटी में आपसे पूछ लिया जाए. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 370. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 361 टू 365 दैट वी हैड गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. टुडेस क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. विल बी शेयरिंग आंसर दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट. Which of the following statements are true about AgriStack? AgriStack is a collection of digital database in agriculture. Absolutely correct. Government will partner with Microsoft, not Google. So the second statement is wrong and correct answer is option A, one only. Global Corruption Barometer is published by none of these. Transparency International इसको publish करता है. So correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.